अभी डॉक्टर साहब का जो परसों प्रवचन सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा देखो, जैन धर्म में जितना वस्तु का स्वरूप बताया, जितना व्यवस्थित बताया और जितना गहराई से बताया, ऐसा अन्य दर्शनों में कहीं पर भी वस्तु का स्वरूप नहीं है। ये जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। उन्होंने एक दूसरी बात कही कि और इसी जैन धर्म में इतनी विवक्षाएं हैं कि अगर तुम लड़ना चाहो तो पूरी जिंदगी लड़ सकते हो, खत्म नहीं हो सकती। ये भी कही उनने साथ में। क्यों? कि एक एक गाथा कहती कि देह और आत्मा एक एक है, ऊपर अंगली गाथा कहती अलग अलग है, एक ही आचार्य। अब एक अब लड़ो तो लड़ने के भी इसमें निमित्त कम नहीं है, बहुत निमित्त है। हमने तो वहां शास्त्र में ऐसा पढ़ा था। अब जैसे कुरान है तो एक ही है, गीता है तो एक ही है। अब यहाँ तो भाई साहब समयसार भी और रत्नकंठ श्राव का आचार्य भी है। वो कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है। वो कह रहा है जीवों को बचाओ और ये कह रहा है तुम बचा ही नहीं सकते। अब किसकी माने है? अब बोलो। वो कह रहे आत्मा खा ही नहीं सकता और यहाँ कह रहे को पानी भी छान के पीना, तो किसकी माने? झगड़ा तो करना पड़ेगा ना। तो वो कह रहे थे कि इतना झगड़ा कर सकते हो कि तुम्हारे कोर्ट कचहरी में केस बंद नहीं होंगे और जज भी मर जाएगा कि मैं किसकी मानूं। और दूसरी बात कहते आगम प्रमाण है, हमारे यहाँ तो आगम में जो लिखा वो सत्य, तो आगम वो भी है, आगम ये भी, हम क्या करें? तो बोलो लड़ने के लिए कितने निमित्त है, लड़ो। नहीं समझे? लड़ो तीर्थों के नाम पे लड़ो, शास्त्रों के नाम पे लड़ो, गुरुओं के नाम पे लड़ो, मंत्रों के नाम पे लड़ो, कमेटियों के नाम पे लड़ो, समाज के नाम पे लड़ो, पंथ संप्रदाय के नाम पे लड़ो, 13 पंथ, 14 पंथ, 15 पंथ, 20 पंथ, समझ में? मेरा पंथ, 13 पंथ, जितना लड़ना है लड़ो। लेकिन श्री गुरु कहते भव चला जाए, बड़ी मुश्किल से तेरे को तेरी बात सुनने मिली है, तू छोड़ इन झगड़ों को, समझ में? तुझे जिसमें आनंद आता हो वो देख। आत्मा में आनंद आता है कि कसायों में आनंद आता है? देखो शांति से देखो, अपनेपन की फीलिंग करने में ही अपन को आनंद आता है, जो अपना है उसमें आनंद आता है। तो अपन अपनापन करना तो जानते हैं, ऐसा तो नहीं है कि अपन अपनापन करना नहीं जानते। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे ज्ञान में जो झलकता है मैं उसमें अपनापन हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ये सारा लोकालोक चर चर पदार्थ, अभी अपन अपने घर जाएंगे तो दुनिया भर की दुकानें, दुनिया भर का मार्केट, गाड़ी मोटर बंगला सब हमारे ज्ञान के घी बनते चले जाते। लेकिन देखो वहाँ उनमें एक भी पदार्थों में हमें अपनेपन की अनुभूति नहीं होती, नहीं होती ना, भी सब हमारे ज्ञान का घी बनते चले जाते ना। और हमारा जैसे ही मकान आता है एकदम अपनेपन की अनुभूति होती है, हमारा मकान आ गया है ना, अपनेपन की फीलिंग आई ना। और फिर उसमें से एक ईंट का टुकड़ा भी निकल रहा हो तो वो भी दिखता है, कह रही यार क्या हो रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि तुझे अपनेपन की अनुभूति करना तो आता है और तू सारा मजा भी अपनेपन का लेता है, तो अब तू ऐसा अपनापन अपने ज्ञान स्वभाव में करना, बाकी को गे बना रहने दे। तूने ये गेवई में इतना भेद क्यों कर लिया कि जो स्त्री पुत्र मकान दुकान मेरे, अरे ये भी बिल्कुल मेरे नहीं है। तो इनकी फीलिंग कभी अपनेपन से मत कर, इनकी फीलिंग बिल्कुल वैसे ही कर जैसे ज्ञान में गे की करी थी, और गे झलके थे ना ज्ञान में, तो तूने अपनी पन की फीलिंग नहीं करी, बस जानता गया देखता गया। ऐसे ही ये सारे स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार मकान दुकान ये सब संयोगी साथी है। संयोगी साथी का भी बहुत अर्थ, अच्छा अर्थ है। संयोग में भी अपनेपन की फीलिंग नहीं होती, अगर उन्हें संयोग मानो तो। अपनेपन की फीलिंग एकत्व करने से होती है। देखो जैसे अपनी धर्मशाला के कमरे में अपने साथ पंच कल्याणक में गए चार आदमी और लुका दिए, तो संयोग हो गया कि नहीं हो गया? हुआ ना, बिल्कुल संयोग है। अब बिल्कुल एक ही कमरा है, वहां के सब एक ही सब यूज करना है, फिर भी देखो अपनेपन की फीलिंग नहीं होती उनमें। संयोग की फीलिंग होती है कि चार दिन साथ रहना है ना, यानी कि साथ रहना फिर अपने चले, है ना। ऐसे आचार्य कहते हैं कि तुम इन स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में एकत्व की फीलिंग क्यों करते हो, तुम इनको संयोग क्यों नहीं मानते? जबकि मजेदार बात है, संयोग है, नहीं हो तो बताओ। है कल मेरे को रात को ऐसा विचार आ रहा था कि बड़े दादा पहले चले गए, छोटे दादा उसके बाद में गए, समझ में आए कि नहीं आए? तो बड़े दादा हो सकता है कि वो स्वर्ग में गए हो 5वें नंबर के,
और छोटे दादा स्वर्ग में गए वो छठवें नंबर के या उनसे पहले तीसरे में गए हो, अब क्या बचा वहां? इस पर्याय के छूटते ही वहां कुछ बचा? कुछ है? ऐसे संयोग छूटते चले जाते हैं, मेरे बाबा चले गए, कहाँ होंगे, क्या होंगे, क्या हो रहा होगा, खत्म। वे अपनी उस पर्याय में तन्मय होंगे, इस पर्याय से क्या मतलब है? तो आचार्य कहते ये कोई शास्त्रों की बात है, ये कोई शास्त्रों में से पढ़ के बता रहे, तो अनुभव की बात है ना भाई, कि ये जीव हमारे संयोग में था और चला गया। तो ये कत्व करने की जरूरत क्या है? संयोग को संयोग जानो और संयोग के हिसाब से राग करो, एकत्व के हिसाब से राग मत करो। सम्यक दृष्टि का राग संयोगों के हिसाब से होता है, एकत्व के साथ नहीं होता, इसलिए वो सम्यक दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि का राग एकत्व पूर्वक होता है, इसलिए मरता भी है, बहुत रोता है, तकलीफ होती, क्योंकि एकत्व का राग बहुत दुखदायी है, संयोग का राग दुखदायी नहीं है। और उदाहरण दे दूं, और नजदीक का उदाहरण देता हूं, लड़की के साथ संयोग का राग होता है, वो आपको दिखेगा नहीं लेकिन होता है, फीलिंग आती है कि ये संयोग है। मैंने कुछ और अपन बोलते भी, कुछ दिन बाद तू चली जाएगी, तेरी शादी हो जाएगी, है कि नहीं? मैं अपनी विशुद्धि से बोलती तो कहता भाई क्यों नहीं जाएगा हैं? मैंने कहा क्या पता काल बदल जाए तो भाई चला जाए, तू रह जाए है ऐसा कुछ आपको वो नहीं समझना, ये सब आप अभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा है कि लड़की जाती है, समझे? और ऐसा भी आ जाए कि लड़का जाने लगे और लड़की रहने लगे, तो तुम्हें लड़की में एकत्र हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं कि कोई वो है, अपने आप कहोगे यार ठीक है तू जा भाई, वो तो व्यवस्था ऐसी बनी है कि वो लड़की जाती है, तो वो धारणा पहले दिन से रहती है, बिल्कुल 100% रहती, उसमें क्या बात है? तो देखो राग में कोई कमी नहीं आती, कमी आती है क्या? उसके खर्चे पानी में, उसकी देख रेख में कोई कमी आ रही है? बराबर है, उल्टा होता है, उससे बहुत ज्यादा राग होता है, लेकिन वो श्रद्धा में ये मेरी नहीं है। देखो उसकी दम पे देखो कितना बढ़िया होता है, शादी कर देता है, वो भेज देता है घर, वो बड़ा सुकून का अनुभव करता है पिता। ऐसा मत सोचना आपके बेटी की शादी करके पिता बहुत बिल्कुल दुखी बुखी नहीं होता, सब कहने की बात है। थोड़ी देर का राग उसको भाई, राग की तो देखो दशा ऐसी है कि अपने साथ अगर कोई 10 साल नौकर भी रह ले ना, अरे नौकर तो छोड़ो, कुत्ता भी रह ले ना, गाय भी रह ले, तो उससे भी राग हो जाता है। राग की तो क्या बात है, वो तो कोई बहुत बहुत तो संयोग में रह रहे कि राग हो जाते, लेकिन श्री गुरु कहते एकत्व नहीं होना चाहिए। देखो मुनिराज इतनी सावधानी रखते हैं, अपन मुनिराज का स्वरूप ज्यादा ध्यान नहीं देते। आचार्य भगवंतों का शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि किसी शिष्य के प्रति उनको राग आने लगे ना, तो वो उससे शिष्य को अलग करते हैं, कहते तुम जाओ, समझ में आएगी नहीं है, निकलो यहाँ से। तो वो शिष्य बड़ा कहता है कि हम तो आपके सबसे प्रिय हैं, मतलब सबसे ज्यादा आज्ञा में रहते, तो कहते इसीलिए अब तुम जाओ, क्योंकि हमें तुम्हारे प्रति राग आ जाता है। देखो कितनी सावधानी रखते मुनिराज, ऐसे ही तो साधना करते मुनिराज, इतना सा राग। देखो छोटे नगर छोटी सी गांव में 3 दिन, ऐसा लिखा ना मुनिराज का, 1 दिन 3 दिन फिर 7 दिन। कैसा क्यों लिखा? कि बिल्कुल छोटा सा गांव है, 10-20-50-100 घर हैं, तो 1 दिन 2 दिन रहो, क्योंकि इतने में सबसे परिचय हो जाएगा, और फिर इससे ज़्यादा रहे तो राग बढ़ने की चांस है, और थोड़ा बड़ा शहर है तो 3 दिन में परिचय हो जाएगा, और 7 दिन में सबसे हो जाएगा, तो निकलो। ऐसे मुनिराज, और ये जो ये है ना वर्षा ऋतु का काल चौमासा, तो इसमें मुनिराज को बहुत सावधानी रहती है कि विशेष किसी से राग वाग नहीं चाहिए, परिचय नहीं, इसलिए मुनिराज परिचय भी नहीं लेते जानबूझ के, माने इसलिए परिचय नहीं लेते कि परिचय से राग बढ़ेगा, तो परिचय नहीं लेना, यहाँ तक कि तुम्हारा गोत्र, तुम्हारी जात, कोई परिचय नहीं, कि क्यों हो सकता है उसी गोत्र के वो हों, तो राग आते कई तरह से। हाँ कभी देखा आपने गोत्र का राग, क्षेत्र का राग है, देखा क्षेत्र का राग होता है कि नहीं होता है? अपन कहते ना कैसे, अरे तुम्हारा भी कोई, अरे हमारा भी एक गोत्र लो राग आ गया। श्री गुरु कहते हैं जो कह रहे हम भी पंडित तुम भी पंडित, इसमें तो द्वेष आता है, पंडित को देख के राग नहीं आता, पंडित को देख के द्वेष आता है।
हैं, कसाई होते हैं। अरे यार तुम्हारे हाँ श्रोता भी जब कम ज्यादा हो तो राग की सावधानी रखना, राग विशेष अपने को ये सब बचना। तो मैं क्या समझा रहा हूँ कि एकत्व के साथ राग नहीं करना निचली भूमिका। चौथा गुणस्थान सम्यक दृष्टि का भरत जी का इतना वैभव है, लेकिन एकत्व कहीं नहीं है। मुझे कोई कठिन नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि सारे बहुत कठिन मामला है एकत्व तोड़ना। समझदारी दिखाओ, तत्व विचार करो, बुद्धि लगाओ तो एकत्व तोड़ सकते हो। क्यों तोड़ सकते हो कि भाई एकत्व कैसे करा जाए जब वो वियोग को प्राप्त होगा। मुझे एकत्व उस चीज से करना चाहिए जिससे मेरा कभी अलग ना हो, मैं कभी वियोग ना हो। एकत्व की परिभाषा लगाओगे कि नहीं, तुम्हारा कौन, तुम्हारा अपना कौन, जो मृत्यु के बाद भी तुमसे अलग ना हो सके वो तुम्हारा अपना है। अब ऐसा देखो कौन सा अपनी चीज है। तो ज्ञान स्वभाव के अलावा इस संसार में तुम्हें कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखेगी जिससे तुम एकत्व कर सको। तो एकत्व करना कठिन है कि सरल है, लेकिन परम एकत्व करते हो इससे दुख मिलता है। अभी ले रहे थे गुरुदेव कि ये शरीर शत्रु बनते देर नहीं लगेगी, वो क्यों ले रहे थे पता, कि साहब शरीर तो पर है तो ये शत्रु कैसे बनेगा। वो ऐसे कह रहे थे कि ये जो अभी 25-25-50-30 साल का जवान दिख रहा है तो उसको कहाँ खबर है। अभी वो गुजराती में होती है कुछ, वो होती है वो अपने यहाँ जैसे मालपुआ होता ना, ऐसे गुजरात में पूरनपुली होती है, पूरनपुली कुछ हाँ याद आ गया। तो उसमें कैसे वैसे बढ़ के घी में रख के वो पूरनपुली खाते हैं। तो वो गुरुदेव कह रहे थे कि 25-30 साल का जवान हो तो 6-6 पूरनपुली खा जाए, इसी घी में डुबो डुबो के, समझ में आएगी ना, ना मस्त हो वे और लड्डू खा जावे, है ना। अब वो कौन सा लड्डू बता रहे थे, अफगानी है वो लड्डू खा जावे, तो बोले ऐसा मस्त हो जावे। तो उसे क्या पता कि अभी ये सड़ने बढ़ने वाली है देह, अभी तो अपनी देह में ऐसा मस्त हो रहा है, फिर एक कालांतर में एक एक पुद्गल परमाणु इसका सड़ेगा। सड़ेगा माने वो तेरे अनुसार बिल्कुल प्रणमन नहीं करेगा, हाथ भी नहीं उठेगा तेरे से, तेरी जवान भी नहीं खुलेगी, आंख भी नहीं खुलेगी, कानों से सुनाई नहीं देगा, चलते नहीं बनेगा, सारा शरीर बिल्कुल माने एक ऐसी उंगली उठाना चाहे तो भी ना उठे। तो ऐसा उस शरीर की अवस्था हो जाएगी। सो वहां मां कष्ट पाएगा, मां दुखी होगा, तो वो सब शत्रु जैसा व्यवहार करेंगे। कैसा व्यवहार करेंगे, सारे शत्रु माने क्या, शत्रु माने हम जिसे जैसा चलाना चाहते। पत्नी शत्रु कब हो जाती है, जब वो अपने अपन जैसा चलाना चाहे वो वैसी ना चले तो तू तो शत्रु के समान है, ऐसा बोलते शत्रु है मेरी बिल्कुल। तो वो मित्र कब हो जाती है, जब अपने अनुसार चले। तो वो गुरुदेव कह दे ये सारा शरीर तेरे से शत्रु का व्यवहार करेगा और फिर तू परेशान होगा, इसलिए इससे एकत्व तोड़ दे। ये अभी स्वीकार कर ले, ये पुद्गल का खेल है, मिट्टी है, ये सड़ेगा गलेगा, ये पुद्गल का स्वभाव ही है, इसलिए मैं इसमें एकत्व नहीं करता। सड़ी गली चीज में एकत्व करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारे पास महिलाओं के पास बहुत है ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उसमें एकत्व करते हो तुम लोग, करते हो, क्यों नहीं करते बताओ, वो ज्वेलरी का काम नहीं करती क्या है, नहीं करते ना बिल्कुल भी है। देखो मेरे को सही बात बताओ, मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि तुम अत्यंत मूर्ख आदमी हो। किस रूप में, कह हाँ यहीं बैठी तभी तो सुना रहा हूँ कि भाई तुम्हें गोल्ड में और आर्टिफिशियल ज्वेलरी में अंतर ही नहीं समझ में आता, और मुझे सच में नहीं आता ये, क्योंकि इनका आर्टिफिशियल कोई रखा होता तुम्हें कहते अच्छे से रख दो, तो ये कहते तुम्हें गोल्ड का लग रहा क्या, मैंने कहा क्या का है, तो बोलते जो गोल्ड का नहीं है। और फिर मुझे वो याद भी नहीं रहते कि कौन कौन से, मुझे बिल्कुल चीज़ें समझ नहीं रहती। तो ये कहते कि जो गोल्ड नहीं है, गोल्ड नहीं है माने इसमें एकत्व करने लायक, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ऐसे पड़े हैं डले हैं और इतनी सी अंगूठी हो और वो गोल्ड की हो, समझ में आए, और वो कहीं ऐसी रखी मिल और कहाँ रखी मिल गई, ये तो बताओ कहाँ भूल, उसमें कैसा है। तो अब मुझे प्रश्न है, गोल्ड में और आर्टिफिशियल ज्वेलरी में आपका एकत्व क्यों बदल जाता है, तो इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि आत्मा की कीमत है शरीर की नहीं है। मूर्ख आदमी,
तू जब वहां समझ सकता है तो इधर नहीं समझ सकता कि यार मैं शरीर में काहे को पागल बनूं, ये सड़ने गलने वाले स्वभाव वाला, और रोज खबर देता है कि मैं सड़ूंगा गलूंगा, देता है कि नहीं है? अच्छा रोज देता है कि नहीं? अरे रोज ये कह रहा है कि कुछ हो जाता है, मगर होने की जरूरत क्या है? इतना बढ़िया माल खाओ और वो मल मूत्र निकलता है, तो वो तो रोज कहता है कि मैं तो रोज सड़ा गला हूं, मैं कोई अच्छा नहीं हूं। बोलो इसी देह की क्या हालत है? जी अभी जे उंगली है ना इसकी, ऐसी स्किन खींच दो, देखो अंदर, देखा ना जाए तुमसे, देखा ना जाए तुमसे तुम्हारी देह, जो भी तुम शीशे के सामने ऐसे करते हो, देख ही ना जाए, अभी जल जाए तो खड़ा ना हो पाए, ये तो देह का असली स्वरूप है। आचार्य भगवंत कहते हम तुझे कैसे समझाएं, वहां तो देख वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी और गोल्ड एक जैसा दिख रहा है, तो भी तू उसके स्वभाव को पहचानता है कि नहीं, ये दिखने से कुछ नहीं होता, दिखने से कुछ नहीं होता, होता है कि नहीं होता है? और यहां तक कि देखो गजब गजब का भेद ज्ञान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी और हम जैसा कोई मूर्ख हो और वो ओरिजिनल समझे तो वो कहे कि बहुत अच्छी लग रही जी, तो बहुत बढ़िया है, हैं 10-5 लाख की तो होगी है। तो देखो अंदर से उस सामने वाले की मूर्खता बहसता है, तो कुछ खबर ही नहीं, ये तो नकली है, होता है कि नहीं होता, ये तो नकली है, ये तो कोई असली थोड़ी है, और उसको उसका वजन नहीं आता, अंदर बिल्कुल भी वजन नहीं आता, बिल्कुल समझ में आया। महिलाएं आर्टिफिशियल ज्वेलरी घूम पहन के घूम रही हो तो उनकी चाल अलग होगी, और ओरिजिनल घूम रहे तो अलग होगी, उसका वजन आता। तो श्री गुरु कहते कि ऐसे तुझे आत्मा का वजन आना चाहिए, तुझे अंदर ऐसी फीलिंग आना चाहिए कि मैं आत्मा हूं और इन विचारों को कुछ खबर नहीं, वो मुझे पता चल गया। तेरे अंदर एक अलग मस्ती होनी चाहिए, एक अलग आनंद होना चाहिए, एक अलग एकत्व चलना चाहिए, लेकिन उन्हें सड़े गले पदार्थों में एकत्व, उसी देह में एकत्व करता है। आचार्य कहते हमने बार बार समझाया, अरे पुद्गल के स्वभाव से वर्णित बनी हुई है देह, पुद्गल का पिंड है, इसमें कोई तेरा स्वरूप नहीं है, ये कोई एकत्व करने लायक नहीं है, ये संयोग है और संयोग भी सड़ा गला है, और एक कालांतर में यहीं पड़ी रह जाएगी, छूट जाएगी एकदम। अब आजकल ऐसे वीडियो आते हैं, ये देह को ऐसा उस पर लिटाते हैं और उसमें भट्टी में डाल देते हैं, वो जलने वाली भट्टी आ गई ना आजकल, ऐसे ऐसे डाल देते हैं और ऐसे डाल के 5-10 मिनट खड़े होते हैं, वो पोटरी बना के दे देता है, CNG। क्या देह में एकत्व करें, क्यों करें देह में एकत्व, इतनी तो अपन को बुद्धि आनी चाहिए, हम तो नहीं करेंगे देह में एकत्व। मकान दुकान में क्या, मकान दुकान में एकत्व करना, क्यों करना एकत्व, जब चाहे तो बदल देते, क्या एकत्व करें इसमें, क्या अपना माने, अपने आत्म स्वरूप के अलावा किसी को अपना नहीं मानेंगे, संयोग है तो संयोग ही मानेंगे, संयोग के हिसाब से राग देश हुए तो हुए, एकत्व के हिसाब से राग देश नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, समझ में आया।